यूपी की सत्ता में गुंडों की हनक हुआ करती थी, इसका सबसे बड़ा भुक्तभोगी कौन था? मेरी यूपी की बहन बेटियां थी, उन्हें सड़क पर निकलना मुश्किल हुआ करता था, स्कूल कॉलेज जाना मुश्किल होता था। आप कुछ कह नहीं सकती थी, बोल नहीं सकती थी, क्योंकि थाने गई तो अपराधी बलात्कारी की सिफारिश में किसी को फोन आ जाता था। योगी जी ने इन गुंडों को उनकी सही जगह पहुंचाया है। आज यूपी में सुरक्षा भी है, यूपी में अधिकार भी है, आज यूपी में संभावनाएं भी हैं, आज यूपी में व्यापार भी है। मुझे पूरा विश्वास है, जब हमारी माताओं बहनों का आशीर्वाद है, इस नई यूपी को कोई वापस अंधेरे में नहीं धकेल सकता। भाई और बहनों, आइए प्रयागराज की पुण्य भूमि से ये संकल्प लें, हमारा यूपी आगे बढ़ेगा, हमारा यूपी नई ऊंचाइयां छुएगा। आप सभी माताओं बहनों, आपके आशीर्वाद के लिए, आपके समर्थन के लिए और यूपी के आगे बढ़ाने में आपकी सहभागिता के लिए मैं फिर से एक बार आपको आदरपूर्वक नमन करता हूं, आपका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप सुन रहे थे उत्तर प्रदेश के धरती प्रयागराज से, जहां पर उन्होंने महिलाओं के लिए आज कई तरह की बातें कही। उन्होंने कहा कि पहले गुंडों की हनक होती थी, पहले की सरकारों में गुंडों की हनक हुआ करती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब हालात परिस्थितियां जो है वो बिल्कुल बदल गई है। पहले महिलाओं का निकलना मुश्किल था। प्रधानमंत्री ने इस मंच से पुरानी सरकारों को भी, पिछली सरकारों को भी घेरा। योगी जी ने गुंडों को सही जगह पहुंचाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा कि पहले महिलाओं को निकलना मुश्किल हुआ करता था गुंडों की वजह से। पिछली सरकारों ने जिस तरह से गुंडों को बढ़ावा दिया था, योगी जी ने गुंडों को सही जगह पर पहुंचा दिया है। महिलाओं को सशक्त करने के लिए आज यहां पर पहुंचे। यूपी में आज सुरक्षा भी है, अधिकार भी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज यूपी में संभावनाएं हैं, व्यापार हैं, सभी। तो प्रयागराज में ये विशेष कार्यक्रम हो रहा था, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए थे। आपको हम एक बार फिर से बता दें कि यहां पर 202 सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का शिलान्यास किया प्रधानमंत्री ने। मां गंगा, यमुना, सरस्वती के पावन तट पे बसा प्रयागराज की धरती के हम शीश झुकाए के प्रणाम करत है। वो धरा है जहां धर्म, ज्ञान और न्याय की त्रिवेणी बहत, तीर्थन के तीर्थ प्रयागराज में आए के हमेशा ही। माताओं बहनों, हमारे यहां एक कहावत है, प्रत्यक्षे किम प्रमाणम, यानी जो प्रत्यक्ष है, जो सामने है, उसे साबित करने के लिए कोई प्रमाण की जरूरत नहीं पड़ती। यूपी में विकास के लिए
महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए जो काम हुआ है वो पूरा देश देख रहा है। अभी